Hi everyone, how are you all? I hope you all are doing good. So, this is part 2 of chapter number 4, which is human reproductive health. So, let's get started. इसमें हम पढ़ेंगे contraceptives या फिर birth control के बारे में. अब ये contraceptives होते क्या हैं? जैसा कि ये word बोल रहा है, birth control. ऐसी कोई चीज़ जो कि एम करती है बर्थ को रोकने के लिए, ठीक है, कि बर्थ का जो नंबर है वो रुक जाए, ठीक है, ज़्यादा बर्थ ना हो. सो मेन एम ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इज़ टू कंट्रोल बर्थ, बर्थ को रोकना. दूसरी चीज़ ये प्रिवेंट करता है ओवम को फर्टिलाइज होने से. मतलब क्या हुआ, मैंने पहले लेक्चर में बताया होगा आपको कि कैसे जो स्पर्म है वो आके ओवम से मीट करता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है. लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स. तो ये प्रिवेंट करता है ओवम को फर्टिलाइज होने से ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स. तीसरी चीज़ ये याद रखनी कि कॉन्ट्रासेप्टिव आइडियल कैसे कहलाएगी. पहली चीज़ तो ईजिली अवेलेबल, आसानी से मिल जाए. दूसरी चीज़ अफोर्डेबल, बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो, अफोर्डेबल हो, तब तो लोग उसको खरीद पाएंगे. तीसरी चीज़ उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो या बिल्कुल भी ना हो, ठीक है, लेस साइड इफ़ेक्ट्स और नो साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है. तो इतनी चीज़ें एक कॉन्ट्रासेप्टिव में होनी ही चाहिए, तभी वो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कहलाई जाएगी. चलो, ये तो हो गई बात कॉन्ट्रासेप्टिव की. अब भाई कितने टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं या बर्थ कंट्रोल मेथड्स होते हैं, तो चलो, तो सिर्फ 5 मेथड याद रखनी है, ठीक है, 5 टाइप याद रख लो. कौन कौन से 5 टाइप है? पहला याद रखना है कौन सा, नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल मेथड. दूसरा बैरियर मेथड. तीसरा IUDs, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस. चौथा सर्जिकल मेथड और पांचवा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. सिंपल, बस इतना याद रखना है, 5 याद रख लो. अब यार, अब देखो ये टॉपिक पढ़ना क्यों ज़रूरी है. देखो, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पहले क्या होता था, लोग अनएजुकेटेड होते थे, लोगों को नहीं पता होता था कि ये मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है, ये चीज़ें क्या हैं. कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मतलब किसी को नहीं पता होता था. अभी भी अगर विलेजेस में जाओगे तो लोग बहुत मिसकंसेप्शंस बना के रखे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स को लेके, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें, आप एजुकेटेड हो, आपको जानना ज़रूरी है, जिससे कि आप दूसरों को एटलीस्ट इन चीज़ों के बारे में बता सको, है ना. तो ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में इसलिए इंक्लूड की गई हैं. काफ़ी जगह मैंने देखा है कि ये चैप्टर्स को स्किप कर देते हैं, मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता है. कुछ कुछ टीचर्स भी हैं जो इन चैप्टर्स को स्किप कर देते हैं, बट ये गलत है. ये चीज़ें जानना ज़रूरी है, ठीक है. यू आर एट द एज जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, एक प्रॉपर नॉलेज मिलना आपको बहुत ज़रूरी है. तो हम इसीलिए इन सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो चलो, सबसे पहले अब हम क्या बात करेंगे, नेचुरल मेथड्स की या फिर ट्रेडिशनल मेथड्स की. क्या है ये, पहली चीज़ तो ये समझो, नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड में क्या होगा कि हम इसमें कोई एक्सटर्नल मेडिसिन का यूज़ नहीं करेंगे, कोई भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट नहीं होगा, नेचुरल ट्रेडिशनल है. मतलब कि पहला क्या हो जाएगा इसमें, रिदम मेथड. रिदम मेथड में क्या होता है, इस टाइम पे कोई भी इंटरकोर्स नहीं किया जाता है जब विमेन का एक फर्टिलिटी पीरियड हो. फर्टिलिटी पीरियड मतलब कि 12 to 20 डेज की जब साइकिल चल रही हो, इस टाइम पे इंटरकोर्स ना किया जाए, सिंपल सा. सेकेंड मेथड क्या है इसमें, नेचुरल में ही हम बात करेंगे, विड्रॉल की. इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एजैकुलेशन पीनिस इज विड्रॉल आउट ऑफ द वजाइना, सिंपल, ठीक है. तो ये दो मेथड आपको याद रखनी है कि इसमें नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल में. अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ मेथड जो है आपकी, कौन सी, बैरियर मेथड. बैरियर का क्या मतलब है, बैरियर मतलब रुकावट, किसी भी चीज़ को रोक देना, ठीक है. बीच में कोई एक चीज़ जा रही थी, बैरियर लगा दिया, रोक दिया, ठीक है. तो बैरियर मेथड में किसी भी चीज़ को हम रोक देंगे. अब बैरियर मेथड में आता क्या है, सबसे पहला मोस्ट कॉमन इज कॉन्डम, ठीक है. तो मेल कॉन्डम और फीमेल कॉन्डम, दोनों टाइप की कॉन्डम्स आती हैं, मेल भी और फीमेल भी. तो मेल कॉन्डम की अगर आप बात करें तो ये क्या है, थिन रबर लाइक ऑब्जेक्ट होता है दैट कलेक्ट्स द इजैक्यूलेटेड सीमेन इनसाइड इट, सिंपल. और फीमेल कॉन्डम का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम होता है, बस डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में, मेल कॉन्डम का साइज थोड़ा छोटा होता है एंड फीमेल थोड़ा साइज लार्ज होता है, इतना डिफरेंस होता है. फीमेल कॉन्डम को क्या करते हैं, फीमेल वजाइना के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है. अब हम बात करेंगे डायफ्राम की. डायफ्राम क्या है, डायफ्राम एक सॉफ्ट रबर कप है, ठीक है. ये कप फॉर्मेट में होता है, आपको यहाँ डायग्राम भी नज़र आ रहा होगा. तो ये क्या करते हैं, इसको यूटेरस में, ठीक है,
फीमेल यूटरस में इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ये रिमूवेबल होता है, परमानेंटली इंसर्ट नहीं किया जाता, ये रिमूवेबल होता है। तो उसको इंसर्ट कर देते हैं, तो जब भी, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरकोर्स जैसे ही जो स्पर्म फ्लो होके आते हैं तो ये एक बैरियर का काम करता है। ओवम इधर है, स्पर्म इधर है, तो ये मीट नहीं कर पाएंगे। ये डायफ्राम जो है स्पर्मिसाइड्स को कैच कर लेगा, ठीक है, ये होता है डायफ्राम। फिर एक आता है सर्विकल कैप। सर्विकल कैप क्या है? डायफ्राम का साइज बड़ा था, उसका छोटा साइज ले लो, वो सर्विकल कैप है, सिंपल, ठीक है। तो सर्विकल कैप को भी क्या करेंगे, कहाँ इंसर्ट करेंगे, फीमेल यूटरस के अंदर इंसर्ट कर देंगे। थोड़ा छोटा होता है साइज में, ये कवर कर लेता है सर्विक्स को, ठीक है। ये किसको कवर कर लेगा, ये सर्विक्स को कवर करेगा। और इसका भी सेम काम होता है, ये स्पर्म को एग तक नहीं पहुंचने देता है, स्पर्मिसाइड्स को होल्ड कर लेता है। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट बैरियर मेथड क्या आता है, फॉर्म, जेलीज, क्रीम्स, ठीक है। कुछ फॉर्म, जेलीज, क्रीम्स आते हैं जिन्हें यूज किया जाता है जिससे कि जो स्पर्म है वो यूटरस में एंटर नहीं कर पाए, बट दे आर नॉट मच इफेक्टिव। अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड इनमें से कौन सी है, ठीक है। तो बैरियर हमने कंप्लीट कर लिया, ट्रेडिशनल हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम बात करेंगे IUDs की। व्हाट इज IUDs? इट इज इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस की हम बात करने वाले हैं। क्या होते हैं ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस? नाम से समझ में आ रहा है कि हम यूटरस के अंदर कुछ इंसर्ट करेंगे। इंट्रा यूटेराइन, इनसाइड द यूटरस, ऐसी डिवाइस जो यूटरस के अंदर इंसर्ट की जाती है उसे हम इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस बोलते हैं। क्लियर? तो इतना याद रखो कि जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है वो नॉर्मली आप इंसर्ट नहीं, कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है वो इंसर्ट नहीं कर सकता अपने हाथों से। इसके लिए आपको एक प्रॉपर जो एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर या फिर जो नर्सेस होते हैं वो ही इंसर्ट कर सकते हैं। तो IUDs नॉर्मली इंसर्ट नहीं किए जाते हैं, जैसे कि जो बैरियर मेथड थे वो नॉर्मल कोई भी व्यक्ति जो है यूज़ कर सकता था, बट जो IUDs हैं वो नॉर्मली नहीं यूज़ किए जाते हैं, ये डॉक्टर्स या फिर नर्सेस ही इन्हें इंसर्ट कर सकते हैं यूटरस के अंदर। अब IUDs देखो कई तरीके के हो सकते हैं। कितने तरीके के होते हैं ये देख लेते हैं हम। पहला तो क्या हो गया, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग, तीन टाइप के होते हैं। इनके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। नॉन मेडिकेटेड में आ जाएगा लिपिस लूप, कॉपर रिलीजिंग में क्या आ जाएगा, कॉपर स्टी, CUT जैसे बोल देते हैं। हार्मोन रिलीजिंग में क्या आ जाएगा, LNG20, ठीक है। तो एक एक एग्जांपल याद रख लो, सफिशियंट है अभी के लिए। अब अगली चीज़ क्या आती है, ये IUDs करते क्या हैं? तो देखो IUDs का काम बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पे देखना आप लोग। IUDs increases the phagocytosis of the sperm in the uterus and the copper reduces the motility and fertility capacity of the sperm. The hormone releasing IUDs make the uterus unsuitable for implantation and the cervix hostile to the sperm. It is ideal for female who want to delay pregnancy or spacing between two children. क्या बोल दिया मैंने ये? तो देखो कुछ भी नहीं है। IUDs का काम क्या होता है, जो कॉपर रिलीजिंग होता है ना बेटा, कॉपर रिलीजिंग क्या करेगा कि जो स्पर्म है, मोटाइल स्पर्म है जो भागते भागते दूर से आ रहा है, ठीक है, उस स्पर्म की मोटिलिटी को रोक देगा और इनफर्टाइल, फर्टिलिटी भी कम कर देगा, ठीक है। क्या करेगा, मोटिलिटी रोक देगा, फर्टिलिटी को कम कर देगा, कॉपर रिलीजिंग, ठीक है। अब जो हार्मोन रिलीजिंग होता है वो क्या करता है, हार्मोन रिलीजिंग क्या करेगा, जो यूटेरस है जो रेडी है इम्प्लांटेशन के लिए उसको अनसूटेबल बना देगा, वहाँ की कंडीशंस को वो ऐसा कर देगा कि अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है तो वहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। अब जब इम्प्लांटेशन हो ही नहीं पाएगा तो प्रेगनेंसी कैसे करोगी, नहीं हो सकती है, सिंपल सी बात है ना। तो IUDs में अगर कॉपर रिलीजिंग है तो जो कॉपर होता है वो किसी भी स्पर्म को क्या करेगा, मोटिलिटी को रोक देगा और उसे इनफर्टाइल बना देगा। जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन यूटेरस को क्या करते हैं, इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल बना देते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पर मैंने IUDs की बात करी, अब हम अगले पे आते हैं जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बहुत सिंपल सी चीज़ है, सहेली
है ना, बड़े न्यूज़पेपर में ऐड आती रहती है, टीवी में ऐड आती रहती है, सभी ने देखी होगी राइट। तो सहेली एक टैबलेट है। ये टैबलेट का काम क्या होता है बेटा? ये टैबलेट बड़ी सिंपल सी है, प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन या फिर ओनली प्रोजेस्टेरोन, ये इसका कॉम्बिनेशन होता है। या तो ईस्ट्रोजन सिर्फ होगा या फिर प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन का मिक्सचर होगा उस टैबलेट के अंदर, हॉर्मोन से बेसिकली उस टैबलेट में, और कुछ भी नहीं है क्या, हॉर्मोन से बनी हुई होती है। अब वो टैबलेट सहेली, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में सहेली कहाँ पे डेवलप हुई थी, किस सेंटर ने, किस रिसर्च सेंटर ने सहेली को डेवलप करा था, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में सभी लोग देंगे, ठीक है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है, अगर नहीं देखा तो उसको देख लो, उसमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो सहेली अ कॉन्ट्रोसेप्टिव एंड ओरल कॉन्ट्रोसेप्टिव, ये कॉन्ट्रोसेप्टिव जो है ये प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन या फिर सिर्फ ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होती है, बेसिकली हॉर्मोन। ये करते क्या है, ओव्यूलेशन को या तो रोक देंगे या फिर इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे, ठीक है। क्या काम होता है इसका, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का काम होता है कि या तो ये ओव्यूलेशन रोक देंगे या फिर इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे। ये क्या करेंगे, म्यूकस का फॉर्मेशन जो है वो अच्छे से नहीं होने देंगे, सिंपल से बात कहें तो। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन या फिर ईस्ट्रोजन टैबलेट्स होते हैं, ये मेनली 72 आवर्स के अंदर लिए जाते हैं आफ्टर द कोइटस। कोइटस के बाद में 72 आवर्स के अंदर जब हम इन्हें टैबलेट्स को लेते हैं तभी ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। इज दैट क्लियर एवरी वन? आई होप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ये कुछ नहीं है, ये टैबलेट्स होते हैं, हॉर्मोन टैबलेट्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन या फिर ईस्ट्रोजन अकेला होता है इनमें, ठीक है। 72 आवर्स के अंदर अंदर लिए जाते हैं आफ्टर द कोइटस, क्लियर। अब आ जाओ लास्ट है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मतलब यहाँ सर्जरी होने वाली है, ठीक है। क्या होने वाली है, सर्जरी होने वाली है। अब सर्जिकल मेथड में क्या होगा, पहले तो ये समझ लो, इसको हम स्टरलाइजेशन बोलते हैं। स्टरलाइजेशन का क्या मतलब है, स्टराइल वर्ड सुना है आप लोगों ने, स्टराइल का क्या मतलब होता है कि कोई भी ऐसा मेल या फिर फीमेल जो कि स्पर्म या ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, उन्हें स्टराइल मेल या स्टराइल फीमेल बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम सर्जरी करके किसी भी ह्यूमन बीइंग को स्टराइल बना रहे हैं। और एक बात ध्यान रखना, अभी तक इन सर्जरीज को रिवर्स करने की कोई टेक्निक नहीं आई है ना। तो ये इरिवर्सिबल टेक्निक है अभी तक, ठीक है। आगे टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ती जा रही है, तो हो सकता है आगे कोई टेक्निक आ जाए, बट टिल नाउ ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है। सो दीज आर दी इरिवर्सिबल मेथड। अब करते क्या है, दो टर्म याद रख लो, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, क्लियर। अब कन्फ्यूजन हो जाता है यहाँ पे कि मैम वैसेक्टोमी मेल में है या वैसेक्टोमी फीमेल में है या ट्यूबेक्टोमी मेल फीमेल में, कन्फ्यूजन यहीं पे आता है। तो देखो याद करने का सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। वैसेक्टोमी मतलब वास डेफरेंस, वी फॉर वैसेक्टोमी, वी फॉर वास डेफरेंस। वास डेफरेंस किस में होता है बताओ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है, याद आ रहा है, तो उसी में होता है क्या, वास डिफरेंस मेल्स में। तो ऑब्वियस सी बात हो गई कि मेल्स में क्या करने वाले हैं, वैसेक्टोमी मेल्स में होने वाली है। इसमें करेंगे क्या, यहाँ पे देखो वैसेक्टोमी में वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस में कट लगा देंगे, ठीक है। कट लगाया है, छोटा सा कट लगाते हैं वहाँ पे, उसको फिर टाइप कर देते हैं, कट लगा के टाइप कर देना, उसको हम वैसेक्टोमी बोलते हैं। अब बताओ कितना आसान था। अब आ जाओ ट्यूबेक्टोमी पे, तो ट्यूबेक्टोमी क्यों किस में होगी, फीमेल में। अब आप बोलोगे मैम टी से तो कुछ नहीं होता, टी से नहीं होता लेकिन एफ से तो होता है ना, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब फीमेल में होता है, एफ फॉर फीमेल, एफ फॉर फेलोपियन ट्यूब, और टी फॉर ट्यूबेक्टोमी, टी फॉर ट्यूब, सिंपल, ठीक है। याद रख लो यार, अपने तरीके से कुछ भी ट्रिक बना लेना। तो फेलोपियन ट्यूब, यहाँ पे क्या करेंगे, जो फेलोपियन ट्यूब है फेलोपियन ट्यूब में भी कट लगाएंगे, उसको टाइप कर देंगे। अब इससे होता क्या, टाई तो कर दिया हमने, सर्जरी तो करा ली, अब क्या होगा इससे, इससे ये होता है कि वैसेक्टोमी में जो स्पर्म आ रहा है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, कहाँ, रिलीज आउट नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो जो टेस्टिस में आपका क्या बन रहा था, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था, वो स्पर्म जो है वो रिलीज तो होंगे बट वो रिलीज होके इजैक्यूलेट नहीं हो पाएंगे। बात समझ में आ गई। ऐसे ही क्या होता है ट्यूबेक्टोमी में, ट्यूबेक्टोमी में क्या हो रहा है कि ओवम रिलीज तो हो रहा है बट वो ओवम जो है वो यूटेरस तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। क्लियर हो गई बात। तो इसको बोलते हैं स्टरलाइजेशन, मतलब कि किसी भी मेल को या फीमेल को सर्जरी के थ्रू स्टराइल बना देना। अब एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, अगर कोई भी फीमेल, इफ़ एनी फीमेल अंडरगोज ट्यूबेक्टोमी,
देन द मेंस्ट्रुअल साइकिल विल अकर और नॉट. बताओ क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी या नहीं होगी अगर कोई भी फीमेल जो है वो ट्यूबेक्टोमी उसने करवाई हुई है. बताओ होगी क्या. आंसर इज डेफिनेटली होगी. यस क्यों. क्योंकि ट्यूबेक्टोमी का और मेंस्ट्रुअल साइकिल का कोई लिंक नहीं है. ठीक है ध्यान रखना इस बात का. मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों हो रही है क्योंकि वहाँ पे एंडोमेट्रियम लाइनिंग बन रही है, हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, एंडोमेट्रियम लाइनिंग थिक भी हो रही है, रप्चर भी होगी और रिलीज आउट हो जाएगी. क्यों रिलीज आउट हो जाएगी क्योंकि बेटा ओवम तो रिलीज ही नहीं हुआ, मतलब ओवम तो पहुँचा ही नहीं यूट्रस तक, उसको स्पर्म तो मिला ही नहीं. इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी, मेंस्ट्रुएशन होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा. सो दिस शुड बी वेरी क्लियर दैट इफ एनी फीमेल हैज़ अंडरगोन थ्रू ट्यूबेक्टोमी, दिस डज नॉट मीन दैट हर मेंस्ट्रुअल साइकिल विल एंड अप. नो, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल तभी एंड अप होगी जब उसका मेनोपॉज का टाइम आएगा. क्लियर हो गई बात. सो आई होप आपको ये सारे के सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, बर्थ कंट्रोल्स के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. और ये बेटा देखो, हम सिर्फ पढ़ने के लिए या एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं. आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको सभी को एजुकेट करना है. आप एजुकेटेड हो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके आसपास के सारे लोग एजुकेटेड हो. तो कभी कभी क्या होता है, हमें स्टैंड लेना पड़ता है बिना किसी के बोले. ठीक है, बिना किसी के बोले हमें स्टैंड लेना पड़ता है, हमें लोगों को बताना पड़ता है. STDs के बारे में आप बता सकते हो लोगों को, इफ़ यू आर फ्रैंक इनफ एंड इफ यू आर कंफर्टेबल इनफ यू कैन एक्सप्लेन अबाउट ऑल दीज थिंग्स. क्योंकि जब तक हम अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे तब तक लोगों को पता कैसे चलेगा. सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू स्प्रेड द अवेयरनेस. चलो तो फिर आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं. आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय बाय एवरीवन.